को अपना भाई मानता। मैंने कहा यार सुनी सुनाती बात तो नहीं, मेरे पास उन लोगों की ढेरों किताबें हैं, तो उन्होंने लिखा क्या? मैंने उनको पढ़ा असल किताबों को कि ये बेचारे ये क्यों कहते हैं। इसलिए जानता हूँ कि शिया का ये उधर है, बरेलियों की ये मजबूरी है, किसी को काफिर नहीं कहता ना कि नफरत, मोहब्बत करता, बातें उनको समझाता हूँ, फिर मेरी बात उनके दिल में असर करती है कि असल बात यार ये है, तुम्हारी किताबों को मान भी जाते हैं। अगर बुरा भला कहें क्या बनेगा फिर, काफिर हैं बेदीन है, क्यों काफिर, कलमा नहीं पढ़ते। अब बेटा हमने यहाँ सुन रखा था कि शिया मक्का मदीना नहीं जाते, जब हज पर गए उमरों पर गए देखा कि जितनी तादाद उनकी सुनियों का तो उसके बराबर कोई हिस्सा ही नहीं, मक्का भरा हुआ, मदीना भरा हुआ, मर्द औरतें, तो ये गप्पे जो थी ना इनसे निजात पाई कि तौबा हम तो कहते वो आते ही नहीं, ये सारे हज उमरा कर रहे हैं, मदीना श्री हजूर के रौजा बरादर हैं, तो ये झूठी बातें एक दूसरे के बारे में क्या करें, नफरत हमारे दिलों पर लग, नफरत से बेटा निजात पाओ, सब बहने बनकर रहो, कोई गलत है उसको प्यार से समझाओ कि ये बात नहीं आपकी, ठीक इंशाल्लाह वो मानेगा भी, जिद नहीं करेगा।